रेल की पटरी लोहे की होती है तो फिर ये चोरी क्यों नहीं होती, किसी ने सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछा। रेल की पटरी लोहे की होती है, खुले में पड़ी होती है, सुनसान इलाके जंगल से होकर गुजरती है, फिर ऐसा क्या है कि चोरी नहीं हो पाती? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पटरियां बहुत ज्यादा भारी होती हैं। रेल की पटरी के एक मीटर टुकड़े का वजन 40 से 60 किलो तक होता है, इसे लेकर चलना किसी के लिए भी आसान नहीं। दूसरा कारण ये है कि पटरियों को इतने टाइट तरीके से बांधा जाता है कि ये ट्रेन का वजन सहन कर लेती है, तो फिर चोर की क्या औकात कि वो इसे हिला भी पाए। तीसरा कारण ये है कि ये शुद्ध लोहे की नहीं बनी होती बल्कि स्टील की बनी होती है। रेल की पटरियों में इस्तेमाल होने वाला स्टील एक स्पेशल मिश्र धातु होता है जो बहुत ही कठोर और टिकाऊ होता है, इसे काटना या तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी अगर कोई चोर इसे चुराने में कामयाब हो गया तो इसे कोई कबाड़ी खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि इस पर लगी होती है इंडियन रेलवे की मोहर, और किसी कबाड़ी ने अगर इसे खरीद भी लिया तो इसकी श्यामत आ जाएगी। नॉलेज अच्छी लगी या नहीं कमेंट में जरूर बताना।